वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, रेलवे में पिछले कुछ दिनों में जो रेल मंत्री की तरफ से बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, उम्र सीमा को लेकर, परीक्षा फीस रिटर्न करने को लेकर, और जो आईटीआई हटाया गया है, उन सभी को लेकर जो भी आप लोगों के मन में सवाल है, इस वीडियो में हम पूरे सवाल, जितने भी सवाल से, उन सभी का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो एक एक करके जो बहुत सारे कमेंट आए हैं, उन्हीं में से हम सवाल चुना है और उसके सवाल के अकॉर्डिंग हमने जवाब देने की कोशिश की है। सबसे पहला जो मन में सवाल है लोगों को कि क्या वो रेलवे बोर्ड चेंज कर सकते हैं, यानी रेलवे बोर्ड जो उन्होंने, अगर किसी ने अहमदाबाद भरा है तो वो इलाहाबाद करना चाहते हैं, तो क्या वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको FAQ दिखाता हूँ, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर इसमें साफ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है जो जो आप ही लोग का क्वेश्चन है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन आई चेंज माई RRB जोन यूजिंग मॉडिफाई एप्लीकेशन ऑप्शन। एप्लीकेशन मॉडिफाई करने का जो ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना RRB जोन चेंज कर सकता हूँ, सवाल पूछा गया है। यहाँ पे साफ जवाब है, नो, यू कैन नॉट चेंज योर एप्लीकेशन फ्रॉम वन RRB टू अनदर RRB। यानी आपने जिस भी RRB में आपने फॉर्म भर दिया, चाहे RRB चंडीगढ़ हो, RRB सिकंदराबाद हो, इलाहाबाद हो, पटना हो, रांची हो, गोरखपुर हो, कोलकाता हो, ठीक है, इनमें से किसी भी बोर्ड में अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, तो आप किसी भी अदर RRB जोन में फॉर्म नहीं भर सकते। ये ग्रुप डी और लोको पायलट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के लिए। उसके बाद चलिए, अब दूसरा सवाल लोगों के मन में ये है कि अगर हमने RRB के लिए ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, और तो क्या मैं लोको पायलट भी भर सकता हूँ। अगर आपने ITI किया हुआ है, आप लोको पायलट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैकेंसीज है, तो आप दोनों वैकेंसीज को अलग अलग बिल्कुल भर सकते हैं। किसी के मन में ये सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि RRB का फॉर्म हमने लोको पायलट का भर दिया है, तो अगर हम ग्रुप डी का भरेंगे तो हम रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हमारा कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, दो वैकेंसीज है रेलवे, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज, जैसे सेंट्रलाइज वैकेंसीज 1 2018, फिर 2 2018, फिर इसी तरह से 3 2018 आएगी। तो इस तरह की जो वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग वैकेंसीज, जब नोटिफिकेशन नंबर अलग अलग है, तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन नंबर के अंतर्गत आप एक ही फॉर्म डालेंगे। यानी वैकेंसीज लोको पायलट के लिए सिर्फ आप एक बोर्ड में अप्लाई करेंगे, अगर आपने अप्लाई कर दिया सिकंदराबाद के लिए, तो लोको पायलट में आप दूसरे बोर्ड में नहीं भर सकते, ठीक है। फिर ग्रुप डी में आपका मन है कि मैं इलाहाबाद के लिए भरूं, तो आप इलाहाबाद के लिए भर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लोको पायलट और ग्रुप डी दोनों के लिए एक ही बोर्ड में भरना होगा, आप अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं और किसी भी बोर्ड में भर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो मन में सवाल लोगों के आया है कि अब जो फीस हमने फॉर्म पहले भर दिया, और अभी जो गवर्नमेंट ने बोला है कि फ़ीस वापस करेंगे, तो वो फ़ीस कैसे वापस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव अनाउंस सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू एज एग्जाम फी अकॉर्डिंगली द रिवाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ मॉडिफाइड एलिजिबिलिटी शैल बी मेड अवेलेबल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 28 फरवरी 2018। द क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2018। रेल मंत्रालय ने जो आयु और परीक्षा शुल्क लेकर के संबंधित शर्तों में जो बदलाव किए हैं, उसके अनुसार जो आप लोग को फॉर्म है, वो मॉडिफिकेशन के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा 28/2/2018, यानी 28 फरवरी, आज 24 फरवरी है, 28 फरवरी 2018 से आप लोग इस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरा था 10th बेसिस पर, उसमें तो आपके पास सिर्फ 4 से 5 पोस्ट आया होगा, किसी बोर्ड में 4 ही होगा, किसी बोर्ड में 3 होगा, किसी बोर्ड में 2 होगा 10th बेसिस के लिए, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट ITI के लिए थे। तो अब अगर आपको उसमें प्रेफरेंस, हर एक पोस्ट के लिए प्रेफरेंस है, तो आपने वहाँ पर 4 पोस्ट आपको 10th बेसिस पर जो आई है, उसमें आपने प्रेफरेंस दे दिया होगा कि प्रेफरेंस 1 2 3 4, ठीक है, आप किसको पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। लेकिन अब जब ये चेंज हो गया है, तो आपके पास अब टोटल 28 पोस्ट हो जाती हैं ITI और 10th बेसिस पर लेकर के जितनी भी कैटेगरीज हैं, तो उस कैटेगरी के लिए अब आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए 28 फरवरी से ये मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा, आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र ID पासवर्ड जो आपका है, उससे लॉगिन करना होगा 28 फरवरी को। उस 28 फरवरी के दिन आप लोग लॉगिन करके, उसके बाद से ये 31 मार्च तक डेट गई है, लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, 31 मार्च तक हो गई है। तो 28 फरवरी 2018 को आप लोग लॉगिन करके उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन मॉडिफाई करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन होगा, आपकी जो पात्रता है, वहाँ पर आपने अगर 10th लिखा हुआ है
उसके अकॉर्डिंग आपको और भी पोस्ट जुड़ जाएंगे, तो आप उनके भी प्रेफरेंस भरेंगे। 28 पोस्ट की आप प्रेफरेंस में आप नंबर वन पे किसको देना चाहते हैं, यानी आपको अगर पॉइंट्समैन की वैकेंसी सबसे अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि आप पॉइंट्समैन बने, तो आप सबसे पहले नंबर वन पॉइंट्समैन को रख दें। आप चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल में पहले नंबर को रखना चाहते हैं, तो वन नंबर आपको बॉक्स में लिखना होगा इलेक्ट्रिकल के सामने, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको चेंज कर पाएंगे। दूसरा, इस जो ये चेंजेस होगा ये सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि उन्होंने बदलाव किया है, तो इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बाकी कोई भी चेंजेस आपको अगर करना है तो वो अभी आप मत कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर है मॉडिफाई एग्ज़ाम लैंग्वेज। कुछ लोग ने जिन्होंने 19 फरवरी से पहले अप्लाई कर दिया है, वो लोग लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज अगर उनको मलयालम में देना है या फिर पंजाबी में देना है या फिर इस तरह की लोकल लैंग्वेज जो वहाँ की है उसके अकॉर्डिंग उनको, तो ये मॉडिफाई एग्ज़ाम लैंग्वेज है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, और वहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए। तो आप अभी भी कर सकते हैं वो मॉडिफाई, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन अगर आप अभी करते हैं तो इसमें आपको चार्ज देना होगा 250 रुपये। मैं आपको यहाँ पर एफएक्यू दिखा देता हूँ कि इसमें एप्लीकेशन आप बिना सरकार, जो सरकार ने चेंजेस किए हैं उसमें करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है कि आई वॉन्ट टू चेंज करेक्ट द डिटेल ऑफ आई इंटर्ड इन द एप्लीकेशन। मैंने जो भी एप्लीकेशन डिटेल भरी है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करना है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबी की तरफ से, वो लिखा है यू हैव टू बी केयरफुली व्हेन यू फिल द रेज्यू रजिस्ट्रेशन। आपको सतर्कता बरतनी चाहिए कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं अप्लाई चेंज करना, तो आप एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन बटन पर क्लिक करके होम पेज पर जो मैंने आप लोग को दिखाया उससे रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद वहाँ पर आपको नॉन रिफंडेबल 250 रुपये, जो कि रिफ़ंड नहीं होगा, ये 250 रुपये चार्ज होगा सिर्फ मॉडिफाई करने के लिए एप्लीकेशन को। तो बहुत ही सावधानी से फॉर्म आपने को भरना है, फिर भी अगर किसी ने गलती कर दिया तो 250 रुपये पे करके वो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे क्या क्या चेंजेस होगा देखिए, यू कैन एडिट योर एप्लीकेशन एंड मेक एनी चेंजेस रिक्वायर, हाउएवर यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर आरआरबी जोन। अभी भी लिखा हुआ है कि आरआरबी जोन आप एडिट नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं हो सकता, ईमेल आईडी चेंज नहीं हो सकता, मोबाइल नंबर नहीं चेंज हो सकता, एंड मोबाइल नंबर आपका और ईमेल आईडी चेंज नहीं हो सकता, बाकी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर है वेदर आई नीड टू पे एग्जाम फी अगेन इफ़ आई मॉडिफाई माई एप्लीकेशन, ए नॉन रिफंडेबल फी ऑफ रुपीज़ इतना इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कैंडिडेट इंक्लूडिंग द फी एग्जेम्प्टेड कैन। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है चाहे वो SC ST हो OBC हो उनसे मतलब नहीं है, अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो आपको 250 रुपये पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आप इसको जब आप चेंज करते हैं मॉडिफाई करते हैं तो यू इफ़ यू लूज़ योर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जाम फी रिलैक्सेशन देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फी 500, ऑल्सो द एग्जामिनेशन फी ऑफ 250 रुपीज़ विच वॉज ऑलरेडी पेड बाई यू अर्लियर विल नॉट बी रिफंडेड। ठीक है, तो ये रिफंड नहीं होगा, ये चीज़ इन्होंने बताई है। उसके बाद देखिए कुछ और सवाल हैं लोगों के मन में कि अब मुझे पेमेंट कैसे मिलेगी, मैंने पेमेंट तो पहले आप कर दी है 500 रुपये या फिर 250 रुपये, तो जो सरकार ने बोला है कि 250 रुपये वापस हो जाएगा और 500 रुपये में से 400 रुपये वापस होगा जिन लोगों का 500 फीस है, तो उसके लिए अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 तारीख से अवेलेबल होगा, जिसमें आपको वहाँ पर आपसे IFSC कोड, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही है। ठीक है, तो ये 28 तारीख से जब आप लोग मॉडिफाई करेंगे एप्लीकेशन तो उसमें मांगी जाएगी, और जो लोग नया फॉर्म भर रहे हैं उनको ये चीज़ मांगी जा रही है कि आप अपना IFSC कोड, बैंक डिटेल्स यहाँ पर सबमिट कीजिए, तो आपको रिफ़ंड उसके अकॉर्डिंग आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम में अपियर होंगे। अगर आप एग्ज़ाम में अपियर नहीं होते हैं तो वो पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब सवाल थे जो सबके मन में था, उम्मीद करते हैं आप सभी को इस सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है, और जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो अब सभी है 10th बेसिस पर, तो ITI वाले भी इस सभी पोस्ट को भर सकते हैं इसमें को, क्योंकि वो भी 10th पास होते हैं, तो उनको भी प्रेफरेंस के लिए वही 28 पोस्ट मिलेगा, वो भी जिसको चाहें वो प्रेफर कर सकते हैं। अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिशियन है, उन्होंने ITI इलेक्ट्रिशियन किया है, तो वो अपना पहला प्रेफरेंस इलेक्ट्रिशियन में भी कर सकते हैं। उनको जिस चीज़ में जो जॉब अच्छी लगती है, जो पोस्ट आपको अच्छी लगती है उसको पहला प्रेफरेंस दीजिए, एंड उसके बाद सबके नंबर्स बॉक्स में आप लिखते जाइए कि दूसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर कौन सा है। आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं ब्लैंक, कोई ज़रूरी नहीं है सबको भरना, आपको जितनी पोस्ट अच्छी है आप वो पोस्ट फिल कर सकते हैं, प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचाता है,
तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।